ये बेसिकली एक धर्म युद्ध है। लक्ष्मण यादव ये सब घटना है, संकेत है ये सब। और इस तरह से सैकड़ों टीचर्स निकाले गए हैं यहाँ से। ऋतु का मसला सामने ही है, बहुत सारे एस सी एस टी के टीचर्स हैं, उनको प्रमोशन रोके हुए हैं। तो ये तमाम मसला है, ये सीधा और सीधा धर्म युद्ध है कि यूनिवर्सिटी में आडंबर पाखंड पढ़ाया जाएगा कि यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक नॉलेज दिया जाएगा। ये धर्म युद्ध है, संविधान एक तरफ है, आरएसएस एक तरफ है। ये सीधा बुद्धिवाद और आस्था के बीच लड़ाई है। तो मुझे कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि अगर चुप रहें तो ये उसी तरह से है कि जब आप दाना खाते रहते हैं तो एक मुर्गा कटता है, दूसरा दाना चुगता रहता है कि मेरा नंबर नहीं आएगा, अगली बार पता लगता है कि उसी का नंबर आ गया। तो विश्वविद्यालय किस शब्द से बना है? विश्व से। इसका मतलब दुनिया के तमाम जो विचारधारा है वो आएंगी जाएंगी, यहाँ पर विमर्श होंगे, तमाम होंगे। आरएसएस के लोग भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे अम्बेडकरवादी भी रहेंगे, सब समाजवादी भी, तमाम तरह के लोग रहेंगे, विमर्श होगा। लेकिन इस सरकार में, मोदी सरकार में, जो कि आरएसएस के खुद जो है प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, अभी भाई वाइस चांसलर प्रिंसिपल छोटे मोटे लोग हैं, ये पूरा यूनिवर्सिटी को जो है कैप्चर, एक तरह लग रहा है कि भारत को उन्होंने कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया है। सारा का मैं अपील कर रहा हूँ कि आप एक बार जितने प्रिंसिपल बने हैं, जितने प्रोफेसर प्रमोट हुए हैं, जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, उस सब का एक बार जो है आप खाली एक इंक्वायरी करवा लीजिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट इंक्वायरी करा लीजिए, आर्टिकल पता करा लीजिए, आधे लोग जेल में रहेंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आधे लोग जेल में रहेंगे। तो ये फर्जीवाड़ा लोग फर्जी करके जितने यहाँ काबिल लोग पढ़ाने वाले, लंबे समय से पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सबको हटा के और सीधे सबका मोबाइल चेक किया जाए, एक्सपर्ट प्रिंसिपल और जितने वीसी नॉमिनी आए हैं सबका मोबाइल नंबर चेक किया जाए, उसका बातचीत किससे किया है, किससे किस समय बात किया, इंटरव्यू कब हो रहा, सब आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। बेसिक बात है कि आरएसएस की विचारधारा जो डायसेंट को बर्दाश्त नहीं करती है, डायसेंट को बर्दाश्त नहीं करती है, वो चाहती है कि यहाँ पे एकदम पूरा और पूरा मनुस्मृति पढ़ाई जाए। हिंदू स्टडी सेंटर खुल रहा है यहाँ, गोमूत्र गाय ये सब पढ़ा जाए, यूनिवर्सिटी इस काम के लिए बना था। इसलिए एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी की विचारधारा होगी, उनमें वेरिएशंस होंगे, और ये तीनों जो है गुलवलकर और सावरकर के विचारधारा के खिलाफ थे, और लग रहा है कि आरएसएस ने इस देश पे कब्जा कर लिया है। इसलिए ये घटना नहीं, ये संकेत है, इस तरह की घटनाएँ होंगी, इसलिए पूरे नेशन वाइड इनके खिलाफ आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। इनको सबसे पहले इनको हराना ज़रूरी है, ये सबसे अहम मुद्दा है। क्योंकि ये कुछ मतलब कहीं आप चिट्ठी लिखिए वाइस चांसलर को, प्रिंसिपल कोई जवाब नहीं देगा। अरे वाइस चांसलर के अंडर में थोड़ी काम करते हैं हम प्रिंसिपल के अंडर में थोड़ी काम करते हैं, वो कलीग है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे। तो मैं कुछ लिख के दूँ कोई जवाब नहीं, लेकिन संघ कार्यालय से कोई लिख के आ जाएगा, आरएसएस का संघी लिख के देगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। ये प्रेस वार्ता करना, अपनी बात रखना, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो क्यों पुलिस हमसे फ़ोन करके पूछ रही है? अभी शाम में भी एक स्टाफ आया, बोला कि यहाँ की क्लिपिंग चाहिए, बोले शाम में जाओ पूरे सोशल मीडिया पर क्लिपिंग मिल जाएगा। तो ये हाल है, लग रहा है कि देश दोबारा जो है ये गुलाम बन गया है, ये मनुस्मृतियाँ गुलाम बनाने की तैयारी है। इसलिए इसको खाली आप सिम्टम समझिए, ये एक इंडिविजुअल रतनलाल और सूरज मंडल और इसकी लक्ष्मण की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे आने वाली जनरेशन की। अभी जो तमाम शिक्षक यहाँ हैं और डॉक्टर रतनलाल जी के यहाँ उपस्थित हैं, मैं दो अपील, एक तो तमाम राजनीतिक दलों से करना चाहूँगा जो शोषित समाज के हित साधते हैं, खुद को दलित पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यक के हितैषी कहते हैं, वो इस तरह की घटना पर अपने अपने पार्टी में रिपोर्ट दें और अगर संभव हो तो हस्तक्षेप करें। और दूसरा, मैं तमाम ऐसे लोग जो इंसाफ पसंद है संविधान के पक्ष में, उनसे पूछता हूं कि विश्वविद्यालय को आरएसएस मुक्त होने के लिए क्या आप लोग भारत बंद में साथ देंगे कि नहीं, इस पर विचार करें। देखिए, इसको इस तरीके से देखिए कि ये 2024 का एक सेमीफाइनल था जिसमें लोगों ने एक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया है, लेकिन फिर भी नतीजे बहुत डिसअपॉइंटिंग है अंत में। लेकिन यही कह सकते हैं कि भाई जनता का जो निर्णय है वो सर माथे पर है। लेकिन एक चीज़ ये देखिए कि इन पांच राज्यों के चुनावों में बहुत कुछ चीज़ें नई देखने को मिली, खास करके राजस्थान और मध्य प्रदेश के केस में, छत्तीसगढ़ के केस में, जहाँ पर कि जो न्यू ट्राइबल पार्टीज़ थी उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन को लड़ा इस बार, और एक पार्टी भारत आदिवासी पार्टी तो पहली बार चुनाव लड़ रही थी, जिसकी परफॉर्मेंस भी आप सबके सामने की बहुत बेहतरीन रही,
जी, उन्होंने टोटल 4 सीटें जीती है, जिसमें 3 राजस्थान के भीतर हैं, 1 सीट जो है उन्होंने मध्य प्रदेश के भीतर जीती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही तारीफ के काबिल है। जी, कई सीटों पर सेकंड नंबर पर भी रही है। जी, अगर हम लोग देखें तो भारत आदिवासी पार्टी ने स्पेशली राजस्थान के भीतर 27 सीटों पर चुनाव लड़ा, और जो मध्य प्रदेश के भीतर 8 सीटों पर चुनाव था, और इन चुनावों के परिणाम जिसको देखें तो लगभग उन्होंने 3% के आसपास टोटल वोट हासिल किए राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिला करके। इसमें एक चीज़ जो देखने को मिली कि 4 सीटें जहां जीती उसके साथ साथ 5 से 6 सीटें ऐसी थी जहां उन्होंने सेकंड किया, 12 सीटें ऐसी जहां उन्होंने थर्ड किया, और 4 डिस्ट्रिक्ट जो खास करके राजस्थान के, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर है, यहां पर लगभग उन्होंने 30% के आसपास में वोट जो है परसेंटेज हासिल किया। क्या गलती रही इन चुनावों में, 3 राज्य बड़े बुरे हारे? देखिए, कांग्रेस की गलतियां तो कांग्रेस वाले ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग एक आम नागरिक की हैसियत से देखें तो पता चलेगा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से चुनावों में तमाम तरीके की गलतियाँ की, खास करके जो जो पॉपुलर सेंटीमेंट्स थे उन सेंटीमेंट्स को एकदम इग्नोर किया, चाहे वो आदिवासियों के मसले हों, चाहे दलितों के मसले हों, चाहे पिछड़े तबके के मसले हों, चाहे महिलाओं के मसले हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए तो छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से सिलगेर में आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनको कभी भी जो है उनके साथ बातचीत नहीं करने की कोशिश नहीं, और जबकि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भीतर लगभग 21% आदिवासी हैं, लेकिन उनको भी जो है कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। यही दलितों के साथ सीन है, लगातार जो है एट्रोसिटीज़ उनके ऊपर हो रही है, लेकिन सरकार, खास करके कांग्रेस की, जो चाहे राजस्थान में सरकार रही हो चाहे जहां पर सरकार नहीं थी, वहां पर भी उनको कम्प्लीटली जो है वाइप आउट कर दिया गया, उनको इग्नोर किया गया, और उसका खामियाजा जो है लगातार उनको उठाना पड़ा। पर कांग्रेस तो धीरेन्द्र शास्त्री को साथ लेकर घूम रही थी, हिंदू बनने की कोशिश। देखिए, यही वो पॉलिटिक्स है जिसपे कि वो लगातार पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब देखिए आप अगर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करेंगे तो वो तो ओरिजिनली में बीजेपी कर रही है, उससे ही लोग परचेज कर लेंगे आपको हिंदुत्व की पॉलिटिक्स क्यों। आपको मुद्दों की राजनीति करनी थी, इश्यूज पर बात करनी थी। बहुत सारे इश्यूज इस देश में हैं, चाहे आपको बेरोजगारी का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे और तमाम तरीके के इश्यूज जो हैं, जो सड़क पर हैं, या फिर एजुकेशन का मसला, तमाम मसले थे, लेकिन उन सबको इग्नोर कर दिया गया और उसी का खामियाजा जो है उनको उठाना पड़ा। देखिए, छोटी पार्टियां नहीं, आप एक तरीके से इसको समझिए कि ये पार्टियां जब हम लोग दिल्ली से देखते हैं जरूर छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप उनके इलाके में जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा जो पार्टी 30% वोट हासिल कर रही, 25% वोट हासिल एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के भीतर जब कर रही है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो छोटी पार्टी नहीं है, उस इलाके में वो बड़ी है। उस इलाके पर साथ ना लाना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल वो है, वो ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए आपका जो है, जो पूरा का पूरा ये कह लीजिए कि एक तरीके से उनको तवज्जो नहीं देने का एक मामला है, इंक्लूसिव नहीं होने का जो मामला। जब इंडिया गठबंधन बना था तो ये तय किया गया था कि सब लोग एक साथ आकर के बीजेपी और RSS की पॉलिसीज़ का मुकाबला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। लोगों की डिमांड थी, ये पॉपुलर सेंटीमेंट था कि सब लोग एक साथ आकर के लड़ेंगे तो इस रिजीम का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उस इनिशिएटिव्स को पॉजिटिवली नहीं लिया और उसको खामी। एक मुद्दा सामने आता है, देखिए EBM को लेकर के पिछले पूरे लगभग एक दशक भर हो चुका है, तब से ये मुद्दा चल रहा है। उसमें कई बार कहते हैं कि जी इस बार जब रिजल्ट उनके फेवर में आते तो कहते हैं जी सब ठीक है, जब रिजल्ट उनके खिलाफ आते हैं तो मामला जो है कहते हैं कि जो ठीक नहीं है। तो इसलिए EBM पे कुछ कहना अभी तब तक मुनासिब अब नहीं होगा जब तक कि पार्लियामेंट के भीतर इस मसले पर तमाम पार्टियाँ आकर के स्टैंड ना लें।